और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। महंतबाड़ा में सतनामी समाज का एक दिवसीय बैठक हुआ संपन्न। अध्यक्ष दीवान चंद सोनवानी जी ने कहा कुछ महत्वपूर्ण बातें। सतनामी समाज का एक दिवसीय बैठक बिलासपुर जिले में संपन्न हुआ। बैठक समाज के हृदय स्थल यानी जरहाभाटा स्थित महंतबाड़ा गुरुद्वारा में रखा गया था और इस बैठक के दौरान महंतबाड़ा की रखरखाव, सुरक्षा व गुरुद्वारा परिसर के प्रबंधन को लेकर महंतबाड़ा के प्रबंधन कमेटी एवं विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय बैठक का आयोजन समाज के वरिष्ठ राज महंतों, अधिकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी, युवा साथियों तथा समाज सेवकों की उपस्थिति में आहूत किया गया। समाज के कारिंदा राजमहंत व समिति के सचिव डॉक्टर बसंत अंचल ने वर्तमान में महंतबाड़ा में घट रहे घटनाक्रमों को विधिवत सभी तथ्यों को विस्तार पूर्वक समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि विगत दिनों राजमहंतों के ऊपर अव्यवहारिक तत्वों के द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला करना, महंतबाड़ा के नाम को सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर बाड़ा के विकास गति पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी तथ्यों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए बैठक में उपस्थित हिंदू सतनामी महासभा समिति के वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रपति से सम्मानित वरिष्ठ राजमहंत व बाड़ा के कारिंदा दीवान चंद सोनवानी ने बैठक के वातावरण, आपसी खींचातान व गहमा गहमी के माहौल को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लेते हुए सभा को संबोधित कर कहा कि बाड़ा के नाम को दुष्प्रचार कर महंतबाड़ा के विकास गति पर रोक लगाया जा रहा है तथा समिति के पदाधिकारी व समाज के प्रतिष्ठित राजमहंत तथा बाड़ा के कारिंदा डॉक्टर अंचल के छवि को धूमिल किया जा रहा है, जो कि समाज के लिए अशोभनीय बात है। बाड़ा में भैया उसका विषय आप क्या विषय था, क्या रूपरेखा था? आज की बैठक जो मूल समिति है श्री हिंदू सतनामी महासभा समिति और वहाँ का जो इसका एक शाखा है महंतबाड़ा विकास समिति, ये दोनों की संयुक्त बैठक रखी गई थी। महंतबाड़ा के विकास, रख रखाव और वहाँ का प्रबंधन के संबंध में आज बैठक था। कुछ लोगों के द्वारा कुछ आपत्तियाँ भी आई थी जिस संबंध में हमको एकदम साफ संदेश देना था कि महंतबाड़ा श्री हिंदू सतनामी महासभा के नाम से खरीदी हुई जमीन है और इसका संचालन वर्षों से 50 वर्षों से राज महंतों के द्वारा ही संचालित होते आ रहा है और आज भी यह संस्था पंजीयन फर्म सोसाइटी से जीवित है और राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि जो है कारिंदा लोग के तीन लोग के नाम से है। तो कुछ लोग भ्रमित होकर के गुमराह करने के लिए इस जगह को अलग तरीके से पेश करके समाज को गुमराह करना चाहते थे। तो आज समाज के बीच में रह के इन सब बातों को हमने अवगत कराया है और आज भी हमारा जो है प्रबंधन का काम जो है सतनामी हिंदू महासभा के नाम से वही कर रहा है देखरेख, और जो भी हमारे भाई बंधु जो भी संस्था अगर उसमें कार्यक्रम करना चाहता है वो विधिवत आए, आवेदन दे और उस संस्था का जो भी एक नियम है उस नियम को पालन करते हुए अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। आपका परिचय बताएंगे? मैं राजमहंत डॉक्टर बसंत अंचल और उस संस्था का मैं सचिव हूँ। बताइए, आज के बैठक में महंतबाड़ा हिंदू सतनामी महासभा के बैठक में यही निर्णय लिया गया कि जो हमारे पुराने सदस्य हैं वो रहेंगे और काम जो चल रहा है वो चलता रहेगा। हमारा ये निर्णय है किसी को हटाओ किसी को बिगाड़ो ये नहीं है, जो हमसे हट के चलेगा वो अलग रहेगा, हम बाकी सब एक रहेंगे। और कोई ये हिंदू सतनामी महासभा छत्तीसगढ़ के ये अमर है, जो छत्तीसगढ़ में ये सभा कहीं नहीं है, ये हिंदुस्तान का पूरा सतनामी समाज का हिंदू सतनामी महासभा समिति बनाया गया है। खरीदे हैं और कर यह करीन नामेशन करवाए रजिस्ट्रेशन तो कही भाई एला कन्होजिया कही मोरोए देसहा कही मोरोए सप्ताह कही मोरोए चमार कही हमरोए
और ऐसे कह के चार पांच दिन बताई अंधकार में कही ये हा नो है कनुजिया न सप्ताहा न रसहा न देशहा ये हा हिंदू सतनामी है। हम हिंदू धर्म ल मानतन हिंदू के काम में चलतन हिंदू के रास्ता में रेंगतन जग जमारा बैठा के सब में हम शामिल रहतन एक लिए हमारे यहाँ हिंदू सतनामी है। हम एला हिंदू सतनामी मानबो एला सतनामी नहीं रखन एक है कि अगम दास है एला रखवाई। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष कारिंदा राजमहंत दीवान चंद सोनवानी ने प्रबंधन कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होने के साथ विकास समिति के पूर्व संचालनकर्ता यथावत रहने की बात कही है। बिलासपुर से अमित पाटली की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।